जलियांवाला बाग हत्याकांड के आज 101 वर्ष पूर्ण हुए। आज इस अवसर पर जिन वीरों ने शहादत पाई उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, लड़ते लड़ते मार गए जब देश आजाद हुआ, लड़ते लड़ते मार गए जब तो देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ। ऐसे वीरों ने शहादत दी इस देश के लिए, उनको आज इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी क्या थी आखिर, इसको आप समझिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की नौबत क्यों आई, तो कारण जानने की जब कोशिश करते हैं, ये इस स्थान पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसको कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो इस कारण यहां से मिलता है, यहां से इसका कारण मिलता है, और यहां से कारण मिलता है कहां से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, यहां से कारण मिलता है। यहां से कारण क्या मिलता है कि यहां से कंपनी व्यापार करने के लिए और व्यापार के उद्देश्य से एक कंपनी भारत आती है, यहां से एक कंपनी भारत आती है, व्यापार के उद्देश्य से सूरत आती है। कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का नाम था, व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही, उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 21 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से इस कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कंपनी के संस्थापक जॉन वॉट्स थे, और इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कंपनी का भारत में आगमन, भारत के अंदर इसका आगमन 1608 ईस्वी, एक जहाज का नाम था हेक्टर, जहाज के माध्यम से कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचते हैं, और उसके बाद में सर थॉमस रो इतने चालाक व्यक्ति को इसलिए भेजा गया था ताकि वहां जाकर के व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करें। इसके अलावा इस स्थान की बात करते हैं, अब कंपनी ने व्यापार के साथ साथ प्रशासन की ओर भी अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 युद्ध का नाम बक्सर का युद्ध, 57 जीत जाते हैं और 64 जीतने के बाद 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, उसके माध्यम से कलकत्ता बनाई जाती है, कलकत्ता राजधानी बनने के बाद अब उद्देश्य व्यापार से प्रशासन हो चुका है, और उसकी नींव तो प्लासी में रखी जा चुकी थी। प्लासी के बाद जब बक्सर जीत जाते हैं, अब इनका ध्यान बिल्कुल बदल चुका है। बंगाल के गवर्नर जनरल कुछ समय बाद भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय बन जाएंगे। 1773 के बाद परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां भारत के अंदर बदली है। 1885 कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद में मोटे मोटे रूप से 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन, 1907 ईस्वी कांग्रेस का विभाजन होना, 1909 ईस्वी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध, इन सब परिस्थितियों को तो भारत में एक राष्ट्रवाद विचारधारा का तीव्र गति से उदय हो रहा था, और इसी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए
ये राष्ट्रवाद विचारधारा तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। इसी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए एक एक्ट लेकर के आए जिसका नाम था रोलेट एक्ट और रोलेट एक्ट 1919। न्यायाधीश सिडनी ऑर्थर रोलेट की अध्यक्षता के अंदर एक एक्ट भारत भेजा गया। इस एक्ट का उद्देश्य था भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां जो उभर रही है इसको दबाया जाए, किसी भी तरह से इसको दबाया जाए। और इस एक्ट का भारत आना और इस एक्ट में ये नियम लागू कर दिया गया, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना FIR के, ना वकील, ना अपील और ना दलील। इसलिए इसको काला कानून कहा जाने लगा। भारत के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा गठित की गई और इसका विरोध हुआ। ऐसा ही विरोध देश के कोने कोने में होने लगा और ऐसा ही एक विरोध यहाँ हुआ और इस स्थान का नाम था पंजाब के अंदर अमृतसर। पंजाब के अमृतसर के अंदर यह विरोध हो रहा था। रोलेट एक्ट के विरोध में जो गिरफ्तारी हुई थी उस समय दो यहाँ के प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर सभा में धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे और इस दिन 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और अमृतसर में इस दिन मेला भी लगता है, सिखों का बड़ा त्योहार भी है। खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने इस समय स्थापना की थी। तो जब ये अमृतसर के अंदर दर्शन करने वाले दर्शनार्थी वहां से दर्शन करने के बाद जब निकल रहे थे, उधर से निकलते हुए वे सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड में स्थान जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थान जो बाग है उसके अंदर जाने लगे। जब उसमें एकत्रित हुए तो इस एकत्रित के समाचार पहुंच गए किसके पास, समाचार पहुंच गए ब्रिगेडियर के पास। ब्रिगेडियर का दो व्यक्तियों का यह महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दो व्यक्ति कौन है, दो व्यक्तियों के बारे में बता देता हूं। दो व्यक्ति जो थे उनकी इस हत्याकांड में इनको दोषी माना जाएगा। ये दो व्यक्ति इस हत्याकांड के दोषी हैं। कौन है, इन दोनों के नाम भी लगभग एक जैसे। एक का नाम है ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डॉयर, एक व्यक्ति का नाम, और दूसरे का नाम है माइकल ओ डायर। ये माइकल ओ डायर उस समय कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर। ध्यान से समझना बात को, इसको चारों तरफ से बात को घेरा गया। और उस समय कौन आया था सेना लेकर के, रेजिनॉल्ड डायर द्वारा चारों तरफ से इस स्थान को घेरा गया और घेरने के बाद गोली चलाने का जब आदेश दे दिया गया संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में पहुंच गई, शहादत की। उस समय ऐसा बताया जाता है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां एक कुआं बना था उसके अंदर कूद गए। 200 लाशें उस कुएं से निकाली गई, उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। गोली किसके द्वारा चलाई गई, रेजिनॉल्ड डॉयर के द्वारा गोली चलाई गई। और गोली चलाने के बाद ये जानकारी उसने माइकल ओ डायर को दे दी गई, झूठी जानकारी दी। माइकल ओ डायर को बताया कि उनके द्वारा मेरे पर हमला करने की कोशिश की गई जिसके बदले में हमने गोली चलाई थी। माइकल ओ डायर ने इसको इस बात के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि आपने जो किया वो सही किया। इसका विरोध होने लगा। भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भी जब उनके पास में ये जानकारी पहुंची, ब्रिटेन जब जानकारी पहुंची, पूरे विश्व के अंदर इस घटनाक्रम का विरोध होने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। इस विरोध को देखते हुए हंटर कमीशन गठन किया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ उससे पहले रेजिनॉल्ड
डायर को कर्नल बना दिया गया, रेजिनॉल्ड डायर को कर्नल बना दिया गया। लेकिन उसके बाद 1920 को उन्हें पद से हटा दिया गया। 1927 ईस्वी को बीमारी होने से रेजिनॉल्ड ब्रिगेडियर से बने हुए कर्नल रेजिनॉल्ड डायर की मृत्यु हो गई। कर्नल रेजिनॉल्ड डायर की मृत्यु के बाद अब पीछे रहे कौन, अब कौन रहे पीछे, माइकल ओ डायर। उस समय एक युवा वहां पर उपस्थित था, उस युवा का नाम था उधम सिंह। उनके भी गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया था कि मैं इसका बदला माइकल ओ डायर को मार कर ही लूंगा। जब ब्रिटेन के अंदर एक कैक्सटन हॉल के अंदर सभा चल रही थी, तब 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह द्वारा गोली चला करके माइकल ओ डायर की हत्या कर दी जाती है। और माइकल ओ डायर की हत्या करने के बाद उनका ये जो सपना था, इस हत्याकांड का बदला लेना, वो सपना उनका पूर्ण होता है। तो भारत के अंदर एक बार इस आजादी में योगदान देने वाले इन वीरों की शहादत को कोटि कोटि नमन करते हैं।